महापर्व की महिमा शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरी है। उनके सुर बिखरते हैं तो पता चल जाता है कि छठ महापर्व आ चुका है। न जाने कितनी पीढ़ियां शारदा सिन्हा के छठ के गीतों को सुनकर बड़ी हुई हैं। उनके लिए खबर चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि छठ महापर्व के मौके पर जहां बिहार समेत देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इधर शारदा सिन्हा अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। ये मंगलवार सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली के एम्स में बेड पर लेटी हैं, वेंटिलेटर पर मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही हैं। शारदा सिन्हा के ऑफिशियल एक्स हैंडल से उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने यह वीडियो शेयर किया है। 32 सेकंड के इस वीडियो को देखकर अंदाजा तो जरूर हो गया होगा कि छठ पर्व के मौके पर ही शारदा सिन्हा मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उनके बेटे ने लोगों से शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। इस बार ये सच्ची खबर है, माँ वेंटिलेटर पे हैं। अभी मैंने कंसेंट साइन किया है, अब प्रार्थना जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई में माँ जा चुकी हैं और मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, इस बार काफ़ी मुश्किल है। बस यही प्रार्थना कीजिए कि वो लड़के बाहर आ सकें। ये रियल अपडेट है, अभी उनसे मिल के आया हूँ। छठी माँ कृपा करें, हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ बच जाए, किसी तरह उनकी जान बचा ली जाए। बहुत कष्ट में भी हैं, तो आप सभी श्रोतागण से और जितने छठ के व्रती हैं उनसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने पूजा में उनको शामिल रखिएगा। वैसे तो बिहार समेत समूचा देश शारदा सिन्हा की सेहत को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके इलाज की खबर ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा को कॉल करके शारदा सिन्हा का हेल्थ अपडेट लिया। उन्होंने पूछा कि शारदा जी कैसी हैं, और मुझे अंशुमान जी मुझे बताइए जी, फोन आया था, मैं तो एकदम से चौंक गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कब फ़ोन आएगा। सुबह सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा कि कैसी हैं, मैंने बताया माँ के बारे में, और मैंने उनसे ये भी कहा कि काश वो अगर होश में होती और उनको मैं बता पाता कि आपका फ़ोन आया है, तो सॉरी मैं भावुक हो गया, तो बहुत खुश हो जाती। प्रधानमंत्री ने कई बार आपकी माँ की सेहत की अपडेट आपसे ली और लगातार ले रहे हैं, कितनी बार बातचीत हुई, क्या कुछ हौसला उन्होंने आप? उन्होंने कहा कि पूरा देश इस वक्त उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और छठी मैया की कृपा जरूर बरसेगी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने एम्स के डॉक्टरों के हवाले से बताया कि इस बार उनकी हालत बहुत नाजुक है। हालांकि डॉक्टरों की पूरी टीम उनके इलाज में जुटी है। कब कैसे हालत बिगड़ी ये शारदा सिन्हा के बेटे की जुबानी ही सुनी। डॉक्टर्स ने कहा है ये बहुत कठिन घड़ी है, बहुत मुश्किल घड़ी है, और प्रार्थना जारी रहनी चाहिए क्योंकि अब सिर्फ दवा नहीं दुआ की भी ज़रूरत है। डॉक्टर्स थोड़े चिंतित ज़रूर हैं क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग केस है, बहुत तरीक़ों से उनको बहुत फाइन लाइन से निकाल के बचाना है, ये बहुत चैलेंजिंग है। और बस हर जगह डॉक्टर्स भी सब कहीं ना कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल से आते हैं, इसलिए सभी को पता है वो कौन है, कहीं ना कहीं बचपन में वो भी उनको सुन चुके हैं, तो सब भावुक तरीके से उनसे जुड़ करके काम कर रहे हैं। अगर आप भी शारदा सिन्हा के छठ मैया के गीतों को सुनकर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं, रात भर जाग कर घाटों को छेकने और अर्घ के लिए घाट किनारे जाने के दिन आपको भी याद आते हैं, ठेकुआ के प्रसाद आज भी याद आते हैं, तो अपनी चहेती लोक गायिका के लिए छठ मैया से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।